18वीं शताब्दी का कलकत्ता ब्रिटिश उपनिवेश वाला संपन्न नगर था। अंग्रेज लोग यहां बड़े ऐशो आराम से रहते थे। इस दौरान यहां अस्थायी रूप से रहने वाले और कलकत्ता की यात्रा पर आने वाले ब्रिटिश चित्रकारों ने अपने अनुभवों को जल रंगों और गूची से चित्रों में उतारा। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में शिवपुर में वानस्पतिक उद्यान बनाए गए और पहले रॉक्सबर्ग और बाद में वॉलिच ने स्थानीय चित्रकारों की सहायता से भारतीय पौधों का क्रमबद्ध रिकॉर्ड तैयार किया। फिर इसके बाद वेलेस्ले ने भी बैरकपुर में अपनी देखरेख वाले इलाके के पशुओं और पक्षियों के चित्र बनाने के लिए भारतीय कलाकारों को काम पर रखा। इस तरह भारतीय चित्रकारों को जल रंगों या गीले रंगों के इस्तेमाल की आदत पड़ी। अठारहवीं शताब्दी का कालीघाट कलकत्ता के बिल्कुल पास स्थित मंदिर ग्राम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। विभिन्न गांवों से यहां आने वाले पटुआ लोक चित्रकार मंदिर के आसपास रहा करते थे। ये पटुआ चित्रकार तीर्थ यात्रियों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में बड़ी ही विशेष शैली के आकर्षक और सस्ते चित्र तैयार किया करते थे। सन 1830 के आसपास श्रीमती बेलनौस द्वारा तैयार किए गए एक चित्र से ये पता चलता है कि उन दिनों अधिकतर हिंदू परिवारों के घर का एक हिस्सा हुआ करते थे ये कालीघाट पटचित्र। पटुआ चित्रकार विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के तरह तरह के चित्र तैयार किया करते थे।
शिव और पार्वती। प्रेम मूर्ति राधा और कृष्ण। रामायण और महाभारत के पौराणिक पात्रों के तरह तरह के चित्र। लगता है इन चित्रकारों को सबसे अधिक प्रिय थीं काली और दुर्गा। पटुआ शैली के जाने माने चित्रकारों में निबरन चंद्र घोष, कालीचरण घोष, नीलमणि दास, बलराम दास और गोपाल दास आदि के नाम प्रमुख हैं। पटुआ शैली दरअसल गहरी पारंपरिक प्रेरणा पर आधारित थी। चित्रकला की इस शैली की रूपरेखा चीनी सुलेखन के काफी नजदीक प्रतीत होती थी। उनका आंतरिक छायाकरण विभिन्न कला परंपराओं में से किसी एक की याद दिलाया करता। कभी अजंता के भित्ति चित्र तो कभी बंगाल के मंदिरों की मृण मूर्ति। साथ ही इन पटुआ चित्रों में एक और बड़ी प्राचीन शैली भी दिखाई देती थी, चित्रित नामावली के रूप में पूरी कथा का वर्णन। पटुआ चित्रकारों ने इसी शैली को और भी सरलता और बड़ी ही काव्यात्मक लय के साथ प्रतिष्ठापित किया। धीरे धीरे कालीघाट के पट चित्रों में समकालीन जीवन और समाज की झांकी दिखाई देना शुरू हो गई। इन चित्रों में नव धनवानों और शहरी कुलीन वर्ग यानी बाबू लोगों की जीवन शैली पर बड़ा ही सुंदर व्यंग दिखाई देता था। कालीघाट के पट चित्रों में उस समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण भी मिलता है, जैसे कि यहाँ उस समय के सनसनीखेज एलोकेशी हत्याकांड का विवरण है। तारकेश्वर के महंत की मुलाकात हुई एलोकेशी से और उससे प्रेम हो गया। जब पति नवीन को बेवफाई का पता चला तो उसने एलोकेशी की हत्या कर दी।
फिर मुकदमा चला और अंत में महंत और नबीन दोनों को जेल की सजा हुई। जिन दिनों कालीघाट की चित्रकला का विकास हो रहा था, उन्हीं दिनों उत्तर कलकत्ता के गरनहाटा में एक और कला भी विकसित हो रही थी, लकड़ी या काष्ठ नक्काशी। बड़ी दोहरी लकड़ी पर कारीगर नक्काशी करते थे और इन पर भी कालीघाट परंपरा के समान ही पात्रों को चित्रित किया गया था। कहा जा सकता है कि 1920 के दशक तक कालीघाट चित्रकला का स्वर्णयुग समाप्त हो गया। जल रंगों की जगह नमूने वाले और सस्ते प्रिंट इस्तेमाल होने लगे। सुंदर कला का पतन शुरू हो गया था। पटुआ कलाकारों का भविष्य भी धूमिल नजर आने लगा था। बचे हुए नए कलाकारों ने अपना पेशा बदल डाला। इन्हीं में से एक हैं शिरीष चंद्र पाल, जो अब एक मूर्तिकार हैं। केवल कभी कभी ही ये पटुआ शैली में चित्र बनाते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रधान शिल्पी का सम्मान दिया गया है। कालीघाट चित्रकारों के कार्य में हाल ही एक नई रुचि, एक नई चेतना का संचार दिखाई देता है। सुनैनी देवी, जामिनी रॉय, फर्डिनेंड लेजर नई चेतना से प्रभावित हुए हैं। आज के कलाकार जैसे परितोष सेन, बिजॉन चौधरी, मूर्तिकार जैसे मीरा मुखर्जी, विपिन गोस्वामी, और सुरजीत दास जैसे लोग पटुआ चित्रकला से प्रेरणा पाकर नए साहसिक कार्य कर रहे हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर ने भी सुंदर और रुचिकर व्यंगों से प्रेरणा प्राप्त की है। यही नहीं, व्यवहारिक कलाओं पर भी इनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। सत्यजीत राय और दूसरे लोगों ने पुस्तकों के आवरण आदि के लिए इससे बहुत कुछ पाया है। 20वीं शताब्दी के अंत के समीप भी 200 साल पुरानी ये सुंदर कला परंपरा नष्ट नहीं हुई है। आज भी ये कई कलाओं की प्रेरणा स्रोत है। Thank you.